हेलो फ्रेंड्स, मास्टरमाइंड टेक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक सीपीयू असेंबल करने वाले हैं, मतलब कैबिनेट असेंबल करने वाले हैं, एक पीसी बनाने वाले हैं। वो पीसी बना के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है, कौन कौन सा सामान लगता है, कौन कौन से पार्ट लगते हैं और वो कैसे फिट करते हैं, कौन सा पार्ट लेना है, कौन सी मॉडल में कौन सा बैठता है, कौन सी मदरबोर्ड में कौन सा प्रोसेसर बैठेगा, रैम कौन सी बैठेगी, ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें चूज़ करना होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर मेन होता है कंप्यूटर के लिए, कौन सा प्रोसेसर लेना है ये हमें पहले डिसाइड करना होता है। तो आज मैंने जो प्रोसेसर लिया है ये एएमडी का A10 प्रोसेसर लिया है। ये 7th जनरेशन है। प्रोसेसर का जनरेशन जो होता है ये मॉडल नंबर का जो पहला डिजिट होता है उससे हम डिसाइड करते हैं। ये 7860K है, मतलब ये 7th जनरेशन है। ये एएमडी का 7th जनरेशन प्रोसेसर मैंने लिया है। ये 4GHz है और 4 MB कैशे साइज है इसकी, ये मैंने लिए है। लेकिन ये कौन से मदरबोर्ड में बैठेगा ये हमें फाइंड आउट करना होता है। ये इधर लिखा होता है, ये देखो, ये इधर कंप्यूटर के कोर्स लिखे हुए हैं। ये इस कंप्यूटर में 4 कोर्स है और 8 GPU, मतलब ग्राफिक प्रोसेसर 8 है इसमें। तो इसमें सॉकेट की ज़रूरत है, सॉकेट FM2+ सॉकेट चाहिए होता है इसके लिए। तो इसके लिए हमें FM2+ का मदरबोर्ड ढूंढना पड़ता है। तो ये गीगाबाइट का F2A68HM ये मदरबोर्ड इसे कंपेटेबल होता है। इधर लिखा होता है इसमें कौन सा सॉकेट है, AMD का FM2+, मतलब ये जो AMD का प्रोसेसर हमने चूज़ किया है वो इस मदरबोर्ड में चलेगा। हाँ, और इस मदरबोर्ड में रैम कौन सी चलेगी ये इधर लिखा हुआ होता है, मेमोरी DDR3, मतलब इसमें DDR3 मेमोरी के 2 सॉकेट है और SATA हार्ड डिस्क चलेगी। SATA हार्ड डिस्क तो चलती है सबको, और SATA DVD राइटर वगैरह इसको चलेगा। अभी हम ये CPU और मदरबोर्ड और रैम पहले असेंबल करके लेंगे। इसके लिए ये मदरबोर्ड है वो मैं निकालूंगा। ये देखो, ये हमारा मदरबोर्ड है और ये जो सॉकेट है जिसमें प्रोसेसर बैठता है ये हमने देखा FM2+ और FM2, ये दोनों प्रोसेसर इसमें बैठते हैं। ये जो हमारा प्रोसेसर है ये कौन सा है, FM2+ है, मतलब इसमें 100% बैठेगा। तो मैं ये प्रोसेसर खोलता हूँ। ये हमारा प्रोसेसर है और इस पर 8 सिंग बैठती है। अभी ये प्रोसेसर हमें बिठाना है, तो इसमें इधर देखना है, ये जो है इसमें ये जो ये डॉट है, ये डॉट है, ये ब्लैंक है और ये जो मार्क किया हुआ है वो इधर रखना है हमें। मतलब ऐसा प्रोसेसर हमको बिठाना है। ऐसा प्रोसेसर धीरे से दबाएंगे और ये जो स्टिक दिया है उसे लॉक कर देंगे। ये प्रोसेसर लॉक हो गया इधर। इसके बाद प्रोसेसर के ऊपर बैठेगा हीट सिंक। प्रोसेसर जो हीट होता है वो कूल करने के लिए हीट सिंक दिया होता है। इसके ऊपर हम हीट सिंक बिठाएंगे। हीट सिंक बिठाने से पहले ये देखना पड़ता है, ये जो पेस्ट होती है थर्मल पेस्ट इसे कहते हैं, जो हीट होती है प्रोसेसर से इस हीट सिंक में ट्रांसफ़र होती है। कभी कभी हम खोलते हैं तो ये पेस्ट ख़राब हो जाती है तो दूसरी बिठानी पड़ती है। इसका बहुत बड़ा काम है क्योंकि CPU कूल होने में ये मदद करती है। अगर ये नहीं होती तो हमारा CPU ओवर हीट होता है और परफॉर्मेंस कम होता है उसका।
ये अभी इधर से मैंने लॉक करके लिया, लॉक करके लेना है। और वैसे ही ये भी हमको दोनों साइड से लॉक करके लेना है। बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है। ये देखो ये लॉक हो गया और इससे मैं ये पूरा टाइट कर दूँगा। ये टाइट हो गया, ये तो हमारा प्रोसेसर बैठ गया। प्रोसेसर की ये जो वायर है वो मैं थोड़ी छोटी करके लूँगा क्योंकि फैन के बीच में ये ना आए। ये फैन के सॉकेट में ये बैठा है। अब रैम इसमें कौन सी बैठेगी? DDR3 रैम में लिखा है वो। देखो इसको मैं करूँगा अभी। DDR3 रैम है। रैम बिठाते समय इस कांच को देखना जरूरी है, ये ऐसे बिठेगी। ये जो कांच है ये हमें दिखनी चाहिए। ये देखो इस कांच में ये ऐसे बैठेगी। तो ये रैम मैं बिठा लेता हूँ। अब ये तो हमारा मदरबोर्ड पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको कैबिनेट में बिठाएंगे। ये हमारा कैबिनेट है। ये मदरबोर्ड कैबिनेट में बिठाने से पहले हम जो डीवीडी राइटर है इसको हम इसमें बिठाएंगे। कैसे फिट करना है मैं आपको बताऊंगा। पहला प्लास्टिक होता है वो हमको निकालना है। ऐसे निकला गया। इसके बाद ये डीवीडी राइटर के ऊपर कैप दी होती है, ये हमको निकालनी है अंदर से प्रेस करके। ये निकल गई, ये डीवीडी राइटर है। अंदर बैठने पर हमें ये फिर से लगाना है। इसमें लॉक होते हैं, धीरे से प्रेस करेंगे तो ये बैठ जाते हैं। लेकिन ये वायर बीच में आ गई है। देखो ये हमें अंदर से खींच लेनी है। इसका एक पैनल निकालेंगे। सब स्क्रू वगैरह दिया होते हैं जो हमने पावर सप्लाई के सॉकेट है। अभी जो वायर अटकी हुई थी मैं अभी खींच लूँगा। तो मैंने खींच लिया है। अब हमारा डीवीडी राइटर बैठ गया। हमें ये बटन का ऑपरेशन ठीक हो रहा है ये चेक करना है और इसे एडजस्ट करके फिट कर देना है। इसके लिए मैं अभी स्क्रू लगाऊंगा। हमें ऐसा घुमाना है और एडजस्ट करके ये जो बटन जिधर ऑपरेट होता है उधर रख के स्क्रू फिट करना है। ये देख लो स्क्रू में
इसको फिट हो गए। ये देखो ये हमारा डिविडेक्टर बैठ गया और ये बटन भी ठीक से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। और ऐसे ही दो स्क्रू हमें इस पैनल में भी लगाने हैं डिविडेक्टर को, तो मुझे ये पैनल निकालना होगा। सेम दो स्क्रू मुझे यहाँ लगाने हैं। इसको लग गया, अभी दूसरा स्क्रू। इसके बाद हम हार्ड डिस्क लगाएंगे। ये हमारी हार्ड डिस्क है 2TB की वेस्टर्न डिजिटल कंपनी की। इसको खोलेंगे, इसमें ये सिलिका दी होती है, मॉइस्चर का प्रॉब्लम नहीं आता ये सिलिका रखने से। इसको मैं 4 स्क्रू लगा दूंगा। इसको स्क्रू लगाते समय ये दबा के लगाने पड़ते हैं। यहाँ मैं 2 ही स्क्रू लगा लेता हूँ, पूरा असेंबल हो जाने के बाद मैं और 2 स्क्रू लगाऊंगा। अब हमारा जो मदरबोर्ड है वो हमें बिठा के लेना है। मदरबोर्ड बिठाने से पहले आपको मैं ये दिखाऊंगा कि ये जो वायर्स है, ये हार्ड डिस्क LED का और ये पावर स्विच का, वो किधर लगाना है। ये इधर हमें दिखाई देता है, हार्ड डिस्क प्लस माइनस, पावर प्लस माइनस और रिसेट प्लस माइनस। ये पावर प्लस माइनस का हम ढूंढते हैं। इसमें ये देखो पावर प्लस माइनस और प्लस माइनस ये 2 पिन है। इसमें मैं ये लगाया पावर प्लस माइनस का। इसके बाद HDD LED, ये प्लस है, रेड वाली प्लस है इसकी, तो प्लस ये पिन है इस साइड की, इधर लगा दें। इसके बाद रिस्टार्ट स्विच का, स्विच का कैसा भी लगाया तो चलता है, लेकिन सिर्फ LED को प्लस माइनस ध्यान रखना पड़ता है। ये पावर LED, ये मैं बाहर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ठीक से वो दिखाई नहीं, अगर अंदर मैं डालूँगा और ये बिठाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या किया। ये एक्चुअली अंदर बिठाने पर लगाना होता है। के बाद और 2 केबल बच गई, ये USB की, फ्रंट USB की। ये देखो फ्रंट USB इधर लगानी है, और ये रह गई हमारी ऑडियो की इधर लगानी है। ये सारे केबल से बैठ गए, और एक पैनल लगाना पड़ता है। ये मदरबोर्ड के बॉक्स में ही हमें देखने को मिलता है ये पैनल। पहले हम ये पैनल इधर लगा लेते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे स्क्रू लगाने के लिए सब जगह हमने ये जो अंदर के स्क्रू होते हैं वो लगा दिए हैं। अब हम केयरफुली ये बिठाएंगे। और ये हमारा मदरबोर्ड बैठ गया। इसके स्क्रू लगा के लेते हैं हम। सारे स्क्रू में लगा लेने हैं। स्क्रू लगाना है। और ये लग गया। इसके बाद हमें साटा केबल लगानी पड़ेगी, वो हमें मदरबोर्ड के बॉक्स में मिलेगी। हर एक मदरबोर्ड के साथ ये दो साटा केबल दिया होता है। इसमें से एक होता है डिजिटल राइटर के लिए और एक होता है हार्ड डिस्क के लिए। हार्ड डिस्क का मैं ऐसा लगा के लेता हूँ। और इसके बाद हमें मदरबोर्ड में लगानी है ये पिन साटा बोर्ड में। ये साटा बोर्ड लग गई हमारी। और हमें ये जो पावर का कनेक्टर होता है ATX कनेक्टर कहते हैं इसको, ये हमें मदरबोर्ड में लगाना है। इसके बाद हमें CPU का पावर का सॉकेट लगाना है। ये देखो बैठ गया। बाद हमें जो हार्ड डिस्क को पावर सप्लाई लगता है वो पावर सप्लाई का जो SMPS से वायर आती है वो लगानी है। इसके बाद हमें ये जो कैबिनेट फैन है इसका सॉकेट इधर लगाना है। अब तो रह गया DVD राइटर का। अब हमें DVD राइटर में पावर केबल लगानी है और साटा केबल लगानी है। पावर केबल लग गई और ये साटा केबल लगी। अब ये साटा केबल हमें मदरबोर्ड में बिठानी है। बिठ गई मदरबोर्ड। अब ये जो वायर्स है सब ये फैन में जा सकते हैं, इसलिए इसको इधर
बांधना है। हम कैसे बांधेंगे अभी? अभी इस पर हम टेप लगा सकते हैं या कुछ तार से वगैरह इसे हम बांध सकते हैं। ये इधर रबर लगा लेता हूँ। रबर लगा दिया, ये बैठ गई है सब वायर। वायर फैन में ना आए इसके में, फैन में आ जाती है तो आवाज आती है, या फिर फैन बंद पड़ के ज़्यादा हीटिंग होता है। ये हमारा हो गया, ये सीपीयू बन गया है MD810 का। अब मैं इसको, जो प्रोसेसर का है स्टिकर आया है, स्टिकर में इसको लगाऊंगा। ये हो गया, और रैम के साथ में जो स्टिकर आ गया है ये मैं इसके नीचे लगा दूंगा। पैनल लगाऊंगा दोनों, स्क्रू लगाऊंगा। ओके दोस्तों, तो ये हमारा सीपीयू बन गया है, एक अच्छा सीपीयू बन गया है जिसमें 2 TB हार्ड डिस्क है, 8 GB रैम है और AMD का 7th generation A10 प्रोसेसर है। तो ये सीपीयू ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए मैंने बनाया है, जो अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और अब तो ये रेडी हो गया है, अब इसमें हमें OS डालनी है और OS डालने के बाद ये हम यूज़ कर सकते हैं। OS कैसे डालनी है ये मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताएगा, और कोई आपका क्वेश्चन हो तो भी बताएगी। और मेरा जो चैनल है मास्टरमाइंड टेक, उसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।